अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कोप का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों फ्री में हमेशा मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर आ रही है कतर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। खबर क्या है? चांसेस ऑफ रेन थ्रू द वीकेंड। यानी साथियों, कतर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि इस हफ्ते पूरा हफ्ता दोस्तों बारिश होने की बहुत ही जगहों पे संभावना है। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा धुआंधार बारिश होगी, हल्की फुल्की दोस्तों बारिश होने की संभावना है। खास तौर पे कतर का जो मिडिल नॉर्दर्न एरिया है और कुछ साउदर्न जो मिडिल एरिया है उन जगहों पे दोस्तों बारिश होने की संभावना है। तो जो भी भाई लोग आप लोग नॉर्दर्न एरिया में और साउदर्न एरिया में यदि आप लोग रहते हो तो उन सभी जगहों पर इस हफ्ते थोड़ी बहुत बारिश होगी, तो आप लोगों को थोड़ा इससे बच के रहना है। अगली खबर दोस्तों आ रही कतर के आमिर की तरफ से आ रही। खबर क्या है? आमिर सेन कॉन्सुलेशन ऑफ प्रेसिडेंट ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल ऑफ चाद। दोस्तों चाद एक कंट्री का नाम है, तो कतर के आमिर जो हैं शेख तमीम बिन अल थानी साहब, उनकी तरफ से उनके प्रेसिडेंट को बधाइयां भेजी गई, यानी कॉन्ग्रेचुलेशन कहा गया। अब दोस्तों उनका जो नाम है मिलिट्री काउंसिल रिपब्लिक चाद, जिनके लेफ्टिनेंट है जनरल मोहम्मद इदरीस, उनको बधाइयाँ दी गई। अब दोस्तों बधाई देने का रीज़न ये था कि उस कंट्री में इंडिपेंडेंस डे यानी एनिवर्सरी भी से आप कह सकते हैं, इसी को लेकर कतर के आमिर के तरफ से उनको बधाइयां दी गई। अगली खबर दोस्तों जो आ रही बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर दोस्तों आ रही। साथियों आपको पता होगा QACC एक बहुत ही बड़ी रिसाइकल कंपनी है कतर की, जिसका पूरा नाम है मैं आपको बताता हूं, कतर एयरक्राफ्ट कैटरिंग कंपनी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में QACC भी कहा जाता है। तो उनके तरफ से दोस्तों वहाँ पे वातावरण को स्वच्छ करने के लिए जितने भी वहाँ पे गंदगी वगैरह कतर में फैलता है, वेस्ट मटेरियल वगैरह, उनको वो उठाते हैं और उनको वो रिसाइकल करते हैं, यानी दोबारा इस्तेमाल करने का लायक बनाते हैं। तो कतर में दोस्तों पिछले साल 2022 में QACC कंपनी की तरफ से लगभग 1.7 मिलियन KG यानी लगभग 17 लाख किलो सॉलिड वेस्ट मटेरियल को उठाया गया एक सालों के अंदर, और लगभग वहां पे दोस्तों 1 लाख पोर्शन फूड को, कॉन्डिमेंट को, और लगभग 47,000 पीसेस ऑफ ब्लैंकेट ड्यूविट को उससे बनाकर दोबारा और उसे अलग अलग कंट्रियों में डोनेट किया गया, यानी जो भी गरीब गुरबा के देश के लोग हैं उन लोगों को वहाँ पर डोनेट किया गया। अगली खबर दोस्तों जा रही वो भी बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि MOPH की तरफ से आ रही, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से आ रही है। तो MOPH की तरफ से दोस्तों कंफर्म कर दिया गया है सेफ्टी ऑफ फ्रोजन ओकरा एट लोकल मार्केट। दोस्तों MOPH की तरफ से काफ़ी दिनों से ये बातें चल रही थी कि जो फ्रोजन ओकरा दोस्तों होता है जो बर्फ में रखी जाती है भिंडियाँ वगैरह, उसी को दोस्तों ओकरा कहा जाता है। तो दोस्तों फ्रोजन ओकरा में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी कि उस फ्रोजन ओकरा में कीड़ा वगैरह मिल रहा है। तो खबर दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हैं, MOPH एंड रिसीव नोटिफिकेशन फ्रॉम GCC अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ इंसेक्ट इन्फेक्शन इन फ्रोजन ओकरा। पर दोस्तों उसे छानबीन जब की गई और उसकी जब उसको दोस्तों वहाँ पे लाइब्रेरी में जब चेक किया गया लैब में जाके, तो किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिला और इसे इस्तेमाल करने के लिए क्लियर MOPH की तरफ से कह दिया गया है, यानी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ओकरा में नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, एंड टेक केयर।